वेलकम टू imagination.com। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे भी क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये आज मेरे पास सेमी स्टिच सूट है जो कि जिसका नेक भी बना हुआ है, लेकिन मेरे को ये नेक कॉलर वाला नहीं चाहिए तो इसको मैं दूसरा वाला कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। और इसकी लेंथ अभी बड़ी है और ये यहाँ से जिसके ये बॉर्डर लगा होता है इसको हम सीम रैपर की हेल्प से इसको उधेड़ देंगे। जो लेंथ बड़ी है उसके लिए मैं ये करूँगी कि ये जो ये वाला पार्ट है इसको मैं छोटा कर दूंगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ से इस तरीके से छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है इसको आधा इंच इसके ऊपर कट करके और फिर उसको जितनी लेंथ आपको रखनी है इसके साथ ऐसे लेंथ रख के और यहाँ से भी आधा इंच का छोड़ के, जैसे इतनी लेंथ रखनी है इसके बाद आधा इंच छोड़ के कटिंग कर दो और फिर उसके बाद लेंथ को छोटा कर सकते हो। वैसे तो लंबी लेंथ आज का चल रही है तो लॉन्ग होगा ज़्यादा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लंबा भी रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये काम है कि ये जो साइड पे लगा हुआ है गोटा, इसको हमें अपने शेप के अकॉर्डिंग बाद में लगाना है, इसके लिए इसको आप उधेड़ लेंगे। तो अस्तर के लिए टोटल 2 मीटर कपड़ा लग सकता है आपका, तो ये मेरा 2 मीटर है, 2 मीटर को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले आप नाप लो जितना भी हिप है उस, जैसे कि हिप है 44 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 22 और साइड में टर्निंग में भी जाएगा तो 22 प्लस 2 इंच आप यहाँ से नाप लोगे तो कितना हो गया 24 इंच। तो 24 मैंने यहाँ से निशान लगा लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, इसको ऐसे निशान लगा लेंगे और अब इसको यहाँ तक फोल्ड कर लीजिए। अब इसके ऊपर सारी ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ से मेरा सिर्फ इतना चेंज है कि फुल लेंथ मुझे 40 इंच चाहिए, बाकी सब सेम है। बस्ट के लिए 40 इंच के लिए मेरे को ये 7 इंच चाहिए, यहाँ से 13 मुझे चाहिए 7, ठीक है। आप अपने चेस्ट के हिसाब से चेक कर लो। 40 बस्ट के लिए, 40 बस्ट के लिए अलग अलग चेस्ट के अनुसार कितना होना चाहिए आपका 13 और आम, और उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे 7.5 इंच चाहिए आम होल, ऐसे नीचे से 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाया और ऐसे ये वाली शेप दे देंगे, ठीक है। ये वाली शेप परफेक्ट देने के लिए इस तरीके से ऐसे शेप दे देंगे और यही 1.5 इंच पे हम अंदर की तरफ 40 के हिसाब से मैंने बताया था कि आधा इंच अंदर की तरफ ऐसे निशान लगाएंगे, इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे और इसको इस तरीके से ऐसे मार्क कर देंगे। अगर यही आपका 44 होता, जैसे एक्सल ज़्यादा एक्सल होता है तो उनके लिए ये ऐसे आगे ज़्यादा बढ़ा देते, ठीक है। और यही अगर आपका छोटा साइज़ होता जैसे 32 इंच तो ये थोड़ा सा कम लेते, ये आपका आधा इंच मैंने लिया है। 40 इंच के हिसाब से ये वाला मैंने लिया है 1/4 इंच, एक इंच यहाँ होता है, आधा इंच यहाँ होता है और इन दोनों के बीच में ये वाला 1/4 इंच होता है। तो ये परफेक्ट शेप के लिए इस तरीके से यहाँ पर शेप देते हैं, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है कि कितनी रिक्वायर्ड बस्ट है, 40 है 40 के लिए, 40 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 10, 10 में आधा इंच और प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने आधा इंच ले लिया, ठीक है। और अगर आपको डाउट है तो आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए 1 इंच प्लस करके रख लो, बाद में टाइट कर सकते हो, लूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऊपर से हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा, उसके बाद 13.5 इंच पर अगर कमर आती है चेक कर लो तो 13.5 इंच पर निशान लगा लो, ऐसे 14 इंच पे आती है तो 14 इंच पे निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पर भी हम नापेंगे जितना भी वेस्ट है कमर, कमर को 4 से डिवाइड करेंगे, जितना यहाँ प्लस किया होगा आधा इंच तो यहाँ पे भी आधा इंच प्लस करेंगे। बस देख ली, यहाँ पे हम कमर देखेंगे तो आएगा 9 इंच, 9 प्लस आधा इंच करूँगी तो मेरा आ जाएगा 9.5 इंच इस तरह से। और परफेक्ट फिटिंग के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ से बिल्कुल सीधा निशानी लगाना, ये सिलते टाइम भी आप कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे गोल घुमा के निशान लगाना है इस तरह से। अब ऊपर से लेकर ऊपर आधा इंच का तो सिलाई में जाएगा और ऊपर से लेकर जितना भी आपको हिप लाइन रखनी है, जैसे कि हिप लाइन आजकल 19 से 20 तक या 21 तक चलती है, लेकर अब हम फिर आज नाप लेते हैं 20 इंच और हिप कितना है 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे प्लस आधा इंच कर रही हूँ आज मैं तो हर जगह आधा आधा इंच, और अगर आप 1 इंच प्लस करें तो हर जगह 1-1 इंच मार्जिन के लिए प्लस कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो 1 ही इंच प्लस कीजिए ताकि आप टाइट तो कर सकते हो, फिर लूज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो।
हर जगह कम से कम 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन साइड पे ज़रूर रखिए और इसकी फिर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ 1/2 इंच गिराते हैं इस साइड पे, आर्म होल की साइड पे, और इसको ऐसे कट करते हैं। अब इसको ऐसे कट करेंगे, पहले सिर्फ बार वाला करेंगे क्योंकि हमें बैक पैनल भी चाहिए। इसको ऐसे कट कर देंगे, याद रहे अगर आप अस्तर वाला बना रहे हो तो इस अस्तर को पहले प्रेस जरूर कर लो, मैंने भी कर लिया है। और इसको धो के यूज़ करना चाहिए, इसको बाहर से भी आप ऐसे ही कट कर लेंगे। अब इसमें से हम फ्रंट पैनल को निकाल देंगे, इसको भी यहाँ से मिडल से कट कर देंगे। यहाँ से फ्रंट पैनल निकाल लेंगे, बैक पैनल अलग कर लेंगे। मैंने इसमें से बैक पैनल हटा दिया, ये सिर्फ फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल पे हमें ये वाली शेप देनी है, यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया फ्रंट के लिए, और ये वाली हमें शेप देनी है यहाँ पर आर्म होल की। और ऊपर से जो गिराया था हमने 1/2 इंच, ये दोनों में गिराते हैं, फ्रंट में भी बैक में भी। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि मुझे इसकी लेंथ को छोटी करना था तो मैंने बीच में से ये निकाल दिया है। इसका मतलब ये जो बॉर्डर मुझे जितना चाहिए उससे यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर रख लिया है, और यहाँ पर भी जिसके बाद मुझे बॉर्डर ये वाला लगाना है 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रख के मैंने कटिंग कर दी है। ठीक है, अब सिलाई मशीन पर जाके इस बॉर्डर को इसके साथ हम ऐसे रख के, इस तरह से रख के यहीं पे जहाँ पे हमने कटिंग की है, जिधर ये बॉर्डर मैच हो रहे हैं दोनों, इन दोनों को एक साथ स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा बॉर्डर छोटा हो गया, पूरी लेंथ इस सूट की छोटी हो गई। अब इसका जो सूट का सेंटर होगा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट को मैच करते हुए हमें ऐसे इसको फोल्ड कर लेना चाहिए। ये जो सेंटर पॉइंट है ये बिल्कुल मैच हो जाए। इसको इसके ऊपर अच्छे से रखने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। आप चाहें तो पहले इसके ऊपर मार्किंग कर लीजिए, इससे कटिंग अच्छी हो जाएगी। फ्रंट पैनल में हमें फ्रंट की तरफ शेप दी हुई है, हाथ रख के कटिंग करना बेटर रहता है हमेशा। ये हमने कटिंग कर ली, यहाँ साइड से भी कुछ कटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। अब लेंगे ये वाला बैक पैनल, पीछे का पैनल, इसकी सही साइड और गलत साइड चेक कर लेंगे। यहाँ पे गोटा लगा है, इसका मतलब ये इसकी सही साइड है। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर भी अस्तर का कपड़ा रख लेंगे। बैक पैनल के ऊपर हमने अस्तर वाला कपड़ा रख लिया और हम अच्छे से इसकी साइड से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से थोड़ी सी शेप देनी है, और ये आर्म होल की कटिंग भी इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। ऊपर से तीरा गिराने वाला भी हमने दोनों में रखा है, फ्रंट में भी रखा है ये और बैक में भी रखा है। तो हमारी पूरी कटिंग हो गई है अस्तर वाले सूट की। ऐसे अगर आपको कॉलर नहीं चाहिए तो सीम राइपर की हेल्प से हम इसको भी उधेड़ लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन बनाना है। फ्रेंड, ये जो अस्तर वाला कपड़ा है, इस मेन वाले कपड़े की गलत साइड की तरफ, ये गलत साइड है, ये सही साइड है, गलत साइड की तरफ अच्छे से ऐसे प्यार से बिछाकर, ज़्यादा खींचना भी नहीं है, ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना, जैसा है वैसा ही इसके साथ बिछाकर हमें पिंस लगा देनी है हर जगह पर। इस तरह से मैंने आर्म होल की साइड पे पिन जरूर लगानी है, उसके बाद ऊपर और यहाँ साइड्स पे भी मैंने पिंस लगा दी हैं। बुकरम ली है और इसके जो शाइनिंग वाली साइड है जो चिपकेगी उसको मैंने अंदर के साइड पे ऐसे टर्न करके फोल्ड कर दिया। यहाँ से ये फोल्ड है, यहाँ से हम नापेंगे कि हमें कितना चाहिए गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई टोटल 6 इंच चाहिए, जितने भी गले की आपको चौड़ाई चाहिए उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 3 इंच आया, 3 इंच मैंने ऐसे निशान लगा दिया। ठीक है, ऊपर से 1/2 इंच जाएगा सिलाई में, 1/2 इंच के बाद जितनी भी लंबाई चाहिए गले की आप वो देख लेंगे। मुझे चाहिए 6.5 6.5 इंच लंबाई चाहिए, इसको मैंने ऐसे निशान लगा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर गले का डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से देख लेती हूँ दोबारा से, 3 इंच चाहिए, यहाँ से भी 3 इंच, तो लीजिए। ये मैंने पहले एक आउटलाइन बना ली, इसके अंदर अंदर हमें डिज़ाइन बनाना है। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्वीट हार्ट शेप बना रही हूँ डिज़ाइन वाली, ये बहुत ही प्यारी लगती है। थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ ऐसे शेप दे दीजिए, और ऐसे यहाँ पर ये वाली शेप देने के बाद यहाँ पर मैं ऐसे मटका टाइप शेप दे रही हूँ,
ये वाली शेप यहाँ से घुमा कर बिल्कुल और यहाँ तक लेकर जाऊंगी ऐसे। ये मटका टाइप शेप बहुत ही प्यारी लगती है, इसलिए मैंने ये वाली शेप दी है। यहाँ से भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से इसके पास सेम आउटलाइन आपको करनी है, आधा इंच का कम से कम मार्जिन छोड़ के। लीजिए, गले की शेप आपकी रेडी है। हम इसको अब आराम से प्यार से कटिंग करते हैं। ढंग से पकड़ लो इस तरह से, जैसे जैसे शेप जा रही है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसको भी आराम से पकड़ लो इसके साथ साथ। ये हमारे शेप बन गई। हमने ये जो बीच वाला रखा था इसके हेल्प से पहले इसको रखेंगे, फिर ये बाहर वाला रखेंगे। इसके हेल्प से इसको ऐसे रख देंगे और इसके क्या होगा, ये वाला ना तो ज़्यादा चौड़ा होगा ना ज़्यादा कम होगा। ये प्रॉब्लम होती है कि जितना हम गला बनाते हैं उतना नहीं आता, वो ढीला हो जाता है। तो वो ऐसे ठीक रहेगा। जो बीच वाला पार्ट है इसकी हेल्प से ये वाला रखो, उसके बाद यहाँ पर साइड पर प्रेस कर दो इस तरह से, फिर इसको हटा दो और ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसके आसपास हम आधा इंच का मार्जिन छोड़कर बाहर की तरफ इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा सकते हैं पूरे में थोड़े थोड़े टाइम के बाद इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल बाहर तक नहीं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कट्स लगाए मैंने जिससे ऐसे ये टर्न हो जाए। अब हम हमारा सूट लेंगे, इसकी ये गलत साइड है, अस्तर वाली साइड है, इस साइड पर इसको रखेंगे बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में, मिडल पॉइंट देखकर को सेंटर में रख देंगे। हर जगह से देख लो कि बिल्कुल बीच में आए। फॉर एग्जांपल यहाँ से 14 है तो 7 इंच पे इसका मिडल पॉइंट आए, थोड़ा सा डिफरेंस है तो ऐसे ठीक कर लो। आसपास भी हम यहाँ पर पिंस लगा देंगे। यहाँ मेन साइड से देख लो कि ये बिल्कुल बीच में आना चाहिए, तो ठीक है बीच में आ रहा है और ये पलट के ऊपर के साइड पे ही आएगा, तो ये गलत साइड पे हमने लगाया है। जिस सूट पे यहाँ पे वर्क होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पर ये स्टार्स भी लगे हैं, ठीक है, उस पर आपको सिलाई में प्रॉब्लम ना हो क्योंकि सुई ऐसे जाकर यहाँ पर टूट सकती है। तो ऐसे केस में जिधर भी स्टार्स लगे हैं या मोती लगे हैं उनको हमें उधेड़ देना चाहिए। हमें ऐसे पकड़ के चेक करना चाहिए इस तरह से कि यहाँ सिलाई करते टाइम बीच में स्टार्स ना आए। तो यहाँ से ये वाले स्टार हटा दीजिए जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर हाथ लगा के देख लो, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, फिर यहाँ पे ये वाला स्टार बीच में आ सकता है, तो इन दोनों स्टार्स को यहाँ से हटा दीजिए ऐसे करके। मोती लगे हैं तो उसको भी हटा दो ताकि ये बीच में ना आए। ऐसे करके यहाँ पर ये वाला बीच में आएगा, तो ऐसे यहाँ से ये हटाते रहिए। ठीक है, ऐसे ही हाथ से चेक कर लो, दोनों तरफ मैं हाथ रख रही हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि सुई यहाँ से टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ से हटा देंगे ये वाले स्टार्स जो बीच में आ सकते हैं। बिल्कुल पक्के लगे हैं तो उसमें आप सीजर की हेल्प से हल्का सा ऐसे टेढ़ा करेंगे तो ये निकल जाएंगे, और अगर ये सुई धागे से लगे हैं तो सीम राइपर से हटा दीजिए। हमने यहाँ से पिनअप किया हुआ है, ये सेंटर मैंने पिनअप किया था ऐसे इस तरीके से, तो इससे ये हुआ कि मैंने पीछे की साइड से जो इसका सही साइड है यहाँ से चेक कर लिया कि पिन जो आ रही है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आ रही है या नहीं, तो यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट हो गई ये बात। अब यहाँ से इस पर हम स्टिच करेंगे, बिल्कुल इस पर ऐसे ऐसे स्टिच कर रहे हैं हम। याद रहे स्टिच करते टाइम इधर कोई भी मोती या कढ़ाई का जो स्टोन वगैरह ना आए, इसलिए हमने वो पहले ही हटा दिए। स्पिन्स को हटाते रहेंगे साथ साथ। जैसे ये शेप आ रही है वी शेप, यहाँ पे सुई को नीचे रख देंगे, ऐसे नीचे डाल देंगे और फिर घुमाएंगे। जब भी हमें डिजाइन बनाते वक्त, नेक डिजाइन बनाते वक्त इसको घुमाना हो या कहीं पे भी वी शेप आ रही है इस टाइप की, तो ऐसे सुई को अंदर डाल के फिर घुमा लेना चाहिए।
यहाँ से अंदर की तरफ थोड़ा सा छोटा छोटा सा मार्जिन छोड़ के ऐसे इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा देंगे। ध्यान रहे धागे पे ना कट लग जाए जहाँ पे हमने भी स्टिच किया है। बिल्कुल छोटे छोटे डिस्टेंस पे छोटे छोटे कट लगा दीजिए, क्योंकि ये कढ़ाई वाला है यहाँ पर, तो इस वजह से टर्न करने में इजी हो जाए। कोशिश कीजिए कि यहाँ से भी आप स्टोन हटा दीजिए, इससे बिल्कुल परफेक्टली फिनिशिंग वाला हो जाएगा ये। को हम दूसरी साइड पे जब टर्न करेंगे तो ये फिनिशिंग से दूसरी साइड पे टर्न हो जाएगा। ऐसे इसको कर लो। इसको फ्रंट साइड पर लेकर आएंगे इस तरह से। आप चाहे तो ये थोड़ी सी जो पीछे वाला पार्ट है हल्का सा दिख जाए तो भी कोई बात नहीं, इससे एक तरीके से पतली वाली पाइपिंग ही बन जाएगी और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। जैसे ये ब्रॉड पाइपिंग हो गई और ये पतली वाली पाइपिंग हो गई। जैसे मैं ये बिल्कुल पतली वाली पाइपिंग यहाँ से निकाल रही हूँ तो मैं यहाँ पे बीच में बिल्कुल स्टिच करूंगी। ऐसे सुई को अंदर डालते हुए हमने इसको ऐसे टर्न किया। कर दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पर बिल्कुल पतली वाली पाइपिंग भी आ गई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। इसको फाइनल फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे भी हमने छोटे छोटे कट्स लगाए थे, बिल्कुल यहाँ बुकरम के साथ तक टच नहीं करने ये वाले कट, थोड़े से दूर तक ही फिनिश कर सकते हैं, उससे आपको ये टर्न करने में अच्छा रहेगा फील। इसके कॉर्नर पे भी अब इसको स्टिच कर देंगे। ऐसे अंदर की तरफ इसको टर्न करते हुए हम पूरे में स्टिच कर देंगे। जब ऐसे टर्न करने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से कोई चीज भी ले सकते हो, सिलाई टाइप कुछ भी ले सकते हो। इससे इसको अंदर डाल देते हैं ऐसे। इसे टर्न करके थोड़ा सा बाहर रह जाए तो इसकी हेल्प से सही से अंदर चला जाता है। जब भी कॉर्नर आएगा मैंने बताया सुई को अंदर डाल दो और फिर टर्न करो। आपका ये बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन रेडी है।
अब ऐसे ही है, पीछे का बैक पैनल पे के ऊपर भी अस्तर रख के ऐसे पिंस लगाकर अब बैक पैनल पे जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है, और अगर आपको ये वाला सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले इसको अच्छे से बिछाकर इसके ऊपर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के तीरे को मैंने स्टिच कर दिया। इसको अब अच्छे से अलाइन करके बिछा के दोनों पैनल एकदम एक दूसरे के साथ हो और अस्तर वाले कपड़े भी बिल्कुल सही से हो, उसके बाद आपको इधर साइड पे पिंस लगा लेनी चाहिए दोनों को एक साथ करके, ठीक है। अब ये वाले जो पार्ट है यहाँ पर हम नापेंगे, जितना भी बस्ट है उसको दो से डिवाइड करेंगे प्लस 1 इंच। आपको पता है ये मेन में यहाँ आता है ऊपर से 2 इंच पे करके, और यहाँ पे थोड़ी सी कर्व शेप भी है जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले वाली सारी वीडियोज में सिखाई है। उसके बाद यहाँ पे भी जितना भी कमर है वेस्ट उसको 2 से डिवाइड करके प्लस 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर दिया है। ये है ऊपर से 13.5 इंच अगर आपके केस में कमर आती है तो, नहीं तो 14 इंच पे मैंने ऐसे निशान लगा के यहाँ पे मेजर किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट लगा लिया था ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। फिर यहाँ पर भी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी रिक्वायर्ड हिप है उसको 2 से डिवाइड करके प्लस 1 इंच यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। और मैंने ये हिप लिया है ऊपर से लेकर 20 इंच पे, 20 इंचेस पे। इस तरीके से सारे निशान लगाकर आप सिलाई मशीन पर जाएंगे, यहाँ पे पक्का कर लीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर लीजिए, यहाँ पर वहाँ पे भी ऐसे ही स्टिच कर लीजिए। इस पे ये गोटा पट्टी कैसे लगाते हैं, इसके लिए इसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्लोथ होता है जैसे ये वाला, इस सब को दूसरी साइड पर रख दो, जो बैक पैनल है उसके साइड पे कर दो, ये एक्स्ट्रा क्लोथ को बैक पैनल के साइड पे कर दो, क्योंकि हमें फ्रंट पैनल पे ये गोटा पट्टी लगानी है, सारा एक्स्ट्रा क्लोथ बैक की तरफ चला जाएगा। इसको हम यहाँ पर रखेंगे और कहीं से भी इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे इसको ऐसे खोलते जाएंगे और स्टिचिंग करते रहेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के फ्रंट पैनल की तरफ को ये गोटा पट्टी हम लगाएंगे। और यहाँ से मैं पीछे से देख रही हूँ कि सारा ये जो एक्स्ट्रा क्लोथ है मेरा बैक पैनल की तरफ आ जाए, ताकि गोटा पट्टी के नीचे वो अड़े ना। ऐसे हम खींचते रहेंगे, यहाँ से ये जो नीचे इसके क्लोथ आएगा वो खींचता रहेगा, वो इसके नीचे हमारा कोई क्लोथ नहीं आना चाहिए इसके लिए। बस इतने एरिया पे हो सकता है कि गोटा पट पीछे से ये वाला पार्ट नीचे आए, क्योंकि यहाँ पर हमने इधर को टर्न किया हुआ है। हम ये जो साइड स्लिट है इसके पास ये थोड़ा सा यहाँ मार्जिन ऐसे छोड़ेंगे ताकि ऐसा लगे जैसे हमारी पाइपिंग बनी है। आप चाहे तो बिल्कुल कॉर्नर में भी लगा सकते हैं, पर प्रोफेशनली हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाइपिंग के जैसा मार्जिन छोड़ रही हूँ और फिर स्टिच कर रही हूँ। ये जो गले वाली साइड है ये वो बनती जा रही है, हम उसको ऐसे एडजस्ट करते जा रहे हैं। ये जो साइड आपको खाली दिख रही है वो ऐसे एडजस्ट हो रही है। आप चाहे तो ये सिर्फ यहीं तक लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं ये लास्ट तक लगा रही हूँ। और यहाँ पे ध्यान रख लें कि बीच में ये मोती ना आए, इसको हटा दीजिए, नहीं तो सुई टूट सकती है। ये जितने भी रास्ते में आपको लगता है आएंगे उनको हटा दो। यहाँ लास्ट में यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ऑलमोस्ट 1/2 इंच और कट कर देंगे, और इसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। ऐसे टर्न करके इस साइड को लेकर आ रहे हैं। अब इसके गोटा पट्टे की एक साइड लग गई है और ये वाली खुली है, अब हम इसको स्टिच कर देंगे पूरा। सेम वैसे ही जैसे यहां तक पहुंचे थे ऐसे अब वापिस जाना है।
और आपकी अभी लग गई है। ये गोटा पट्टी पूरी लास्ट तक लग गई है। अब आप चाहे तो यहाँ पर स्लीव्स लगा सकते हैं। ठीक है, अस्तर वाली बाजू कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए जितना भी आपने कमीज पे रखा है, फॉर एग्जांपल हमने रखा है 20 इंच, 20 प्लस 20 इसका मतलब हमने 40 इंच रखा है, तो हमें उतना कपड़ा चाहिए। तो ये है हमारा मेन कपड़ा और ये है अस्तर का कपड़ा। मेन कपड़े की गलत साइड है ये, इसे मैंने क्रॉस लगाया है। इसके ऊपर अस्तर रखेंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से, ताकि इक्वल आए। इस तरह से अस्तर रख लेंगे। और इस कपड़े की टोटल लंबाई चाहिए 40 इंच दो बाजू के लिए। इसको मैंने एक बार फोल्ड कर लिया, इतना आ रहा है 40 इंच, और इसको एक बार और फोल्ड कर दिया, तो हमारे पास ये 4 फोल्ड आ गए दो बाजुओं के लिए। अब ऊपर से लेकर कैप की लेंथ नापेंगे। ये याद रहे इसमें अस्तर भी है और मेन कपड़ा भी है, बिल्कुल ऊपर से सब इक्वल है। अब यहाँ पे कैप की लेंथ अलग अलग साइज के हिसाब से अलग होती है, जैसे कि मैं 38 to 40 के लिए बना रही हूँ तो 3 इंच होगी। ठीक है, आपके साइज के अकॉर्डिंग कितनी आती है वो देख लीजिए, मेरी प्रीवियस वीडियो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख सकते हो। अब कैप की लेंथ बनाने के बाद इसको थोड़ा सा सीधा लेकर आएंगे और फिर ऐसे वाली शेप दे देंगे। ये होती है कैप की शेप, और टोटल लेंथ कितनी चाहिए वो देखेंगे। टोटल लेंथ जैसे कि 4 इंच चाहिए, तो ऊपर आधा इंच मार्जिन में जाएगा, 4.5 नाप के ऐसे निशान लगा रही हूँ मैं, छोटी सी ही बनानी है ये। और उसके बाद आप 1 इंच तक नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हो, 1 या 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा टर्निंग के लिए, बॉटम टर्निंग के लिए मार्जिन रख लीजिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नॉर्मल वाली स्लीव्स भी इसी तरीके से काटते हैं। यहाँ से हम कैप की कटिंग कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा आएंगे और फिर सीधा आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बॉटम टर्निंग करनी है। ये हमारी कटिंग पूरी रेडी है। अब इसमें से हम ये दो पल्ले निकाल लेंगे, सिर्फ दो, अस्तर के साथ। एक अस्तर के साथ हो गया और ये दूसरा। इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। ये है इसका सेंटर पॉइंट जहाँ पे हमने इसको फोल्ड किया था। यहाँ से बिल्कुल इसका सेंटर नाप लेंगे। ये है 9.5 इंच। अगर 9 इंच होता तो इसका सेंटर पॉइंट आता है 4.5, तो 4.5 आएगा। ये है इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का बिल्कुल बीच वाला, का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा ऊपर से 0.5 इंच नीचे गिराएंगे। और अलग अलग साइज के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि किस हिसाब से कितना नीचे गिराना है। ठीक है, 0.5 इंच नीचे गिराकर इसको ऐसे शेप दे देंगे, यहाँ से भी ऐसे शेप दे देंगे। तो ये आपका फ्रंट पैनल में सिर्फ शेप आएगी, और यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ये फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल के साथ ये वाला पार्ट जुड़ेगा ऐसे। इसके दूसरी साइड पे भी लिख देंगे कि ये एफ वाला पार्ट है, दूसरा है बैक पैनल। हमारे दो बाजुओं की कटिंग हो गई है। इसकी बॉटम टर्निंग करने की एक ट्रिक बता देती हूँ। ये है कपड़े की सही साइड, हमने गलत साइड की तरफ से काटा था। अब इस अस्तर को इसकी सही साइड की तरफ रख लेंगे ऐसे, और जितना मार्जिन आपने बॉटम टर्निंग के लिए छोड़ा था उतना मार्जिन यहाँ पर छोड़ के ऐसे सिलाई मशीन पर जाकर इसकी स्टिचिंग कर दीजिए। यहाँ से इसका बॉटम को स्टिच कर दो, सीधी लाइन खींच दो। इसको स्टिच कर दिया है। इसको जब हम पलटेंगे, ये सही साइड की तरफ ऐसे अस्तर रख के स्टिच किया था, इसको जब हम पलटेंगे तो ये अस्तर इसके बैक साइड पे, गलत साइड पे चला जाएगा ऐसे। आप चाहें तो इसके बॉटम में स्टिच कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो भी कोई बात नहीं, और अच्छा होगा अगर आप इसके ऊपर प्रेस कर लें तो। ये वाली लेस, तो लेस लगाने का अच्छा तरीका यही है कि इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट नाप लो और यहाँ पर मार्क कर लो। ऐसे ही आप इस स्लीव्स का बिल्कुल सेंटर पॉइंट नाप लो और यहाँ पर भी
ऐसे मार्क कर लो। अब इन दोनों के सेंटर पॉइंट के साथ मिलाकर ऐसे हमें पता चल जाएगा कि कितनी लेस हमारी आ सकती है, नहीं तो लेस कम पड़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे पास इतनी ही है तो इसको हम ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे। और मैं नीचे चाहती हूँ, थोड़ी सी पाइपिंग की लुक आए इसलिए मैं लेस थोड़ी ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह से हम जब लेस लगाएंगे तो नीचे बॉटम में और स्टिच करने की भी जरूरत नहीं है। इसको ऊपर वाली साइड से भी स्टिच कर रही हूँ। लेस जितना भी आपको रिक्वायर्ड बॉटम चाहिए, इस स्लीव्स का बॉटम चाहिए, उससे कम से कम एक इंच ज्यादा हो, ऐसे फोल्ड करने के पास एक इंच ज्यादा हो। अब बाजू के जो साइड फ्रंट पैनल होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने शेप दी थी और मेन ये फ्रंट पैनल है मेरा, यहाँ पे मैंने शेप दी थी, तो ये इसी साइड पे आ सकता है, ये वाली बाजू उस साइड पे नहीं आ सकती। तो हमने यहाँ पर रख लिया और इस पे फ्रंट लिखा है और ये भी फ्रंट पैनल है। तो ये जिधर शेप दी थी ये वाली इसी के साथ अटैच हो सकती है, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये यहाँ पर अटैच नहीं होगी। इस तरीके से इसको अटैच करने के लिए सबसे पहले हम ये जो फ्रंट पैनल है इसको नाप लेंगे, इसकी आर्म होल को, ये यहाँ तक आ रही है 10 इंच, तो सेम 10 इंच ही हम इस पे भी लेंगे, यहाँ फोल्ड वाले पार्ट से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है। यहाँ पे नीचे का बॉटम कितना चाहिए, 7.5। यहाँ पे हमने मेजर कर लिया और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। अब सिलाई मशीन पर जाकर यहाँ पे स्टिच कर लीजिए। ऐसे ही हम दूसरी बाजू के साथ करेंगे, इसके लिए ये वाला आर्म होल नापेंगे, यहाँ पर निशान लगाकर उसको स्टिच कर लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे, हमारी स्लीव ये सही है, सीधी साइड है, इसको इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। ये जो फ्रंट पैनल है हमारा, इसकी साइड पे थोड़ा सा करेंगे हम इसको, इसके स्टिच को बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पहनने में प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर झोल आता है। इसको थोड़ा सा आगे फ्रंट की साइड पे रखेंगे, बिल्कुल मशीन के एक पैर के जितना। और अब हम इसको आधे इंच का मार्जिन छोड़ के स्लीव्स को कुर्ते के साथ स्टिच करेंगे। ये याद रहे अस्तर भी इसके साथ साथ स्टिच होता रहे, अस्तर को भी इसके साथ ही रखिए। ऐसे खोल लिया और यहाँ पे भी हमने अस्तर को चेक कर लिया कि ये पूरा साथ साथ आता रहे, जैसे ये नीचे चला जाता है इसको इक्वल रखेंगे। अब ये जो पार्ट है इसको एक ट्रायंगल को एक तरफ को फोल्ड कर देंगे ऐसे, और जो ये वाला ट्रायंगल है इसको इस तरफ को फोल्ड कर देंगे ऐसे। और अब इसको आधे इंच का मार्जिन छोड़ के पूरी स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। और हमारी स्लीव्स इसके साथ अटैच हो गई।
ऐसे हमारे अस्तर वाली स्लीव्स भी इसके साथ परफेक्टली अटैच हो गई। मैं आपको सिखा रही हूँ कि साइड स्लिट टर्निंग कैसे करते हैं। कुछ लोगों की क्वेरी आई है कि वो ऐसे टर्निंग करते हैं तो ये कहीं और ही चला जाता है घूम घूम के, तो आज हम सीखेंगे इसको अच्छे से। तो आप देखिए, पहले मैं बैक साइड की साइड स्लिट टर्निंग कर रही हूँ, फिर फ्रंट साइड की साइड स्लिट टर्निंग करना, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। सबसे पहले अगर आपने अस्तर वाला सूट स्टिच किया है तो ये अस्तर है, इसको इसकी तरफ हमने एक बार ऐसे फोल्ड किया, फिर एक बार ऐसे फोल्ड किया और इसको बॉटम में एक स्टिच लगा दिया। ये याद रहे, अस्तर वाला जब सूट होता है तो अस्तर जो मेन वाला क्लॉथ है उससे कम होता है। अब इसको ऐसे करके अच्छे से बिछा लो, टेबल पे बिछाओ, जमीन पे बिछाओ, ताकि ये बिल्कुल सही आए। और फिर उसके बाद ऐसे टर्न करेंगे साइड से। ये देखो, ये जो हमने साइड का ये स्टिच किया होगा, इसके अकॉर्डिंग हम इसको पहले ऐसे टर्न कर लेंगे। इस साइड से भी इसको पहले अच्छे से बिछा के और फिर इसके अकॉर्डिंग आराम से टर्न कर लेंगे। हमने अपने अकॉर्डिंग अब सीधा करा है, उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या ये सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से हम मेजर करेंगे ये कितना है, ये है 23 इंच। अब मुझे बॉटम कितना चाहिए वो भी मेजर करेंगे। तो आप अगर स्ट्रेट बना रहे हो तो बॉटम भी 23 इंच ही रख लीजिए, थोड़ा सा आप चाहते हो कि ऐसे आए तो बॉटम आप रख सकते हो 24, मतलब कि थोड़ा सा जितना आपने इसका बॉटम रखना है। इसको भी ऐसे अच्छे से बिछा दो कि ये वाले कपड़े हैंडल करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको करना कैसे है जैसे मैं सिखा रही हूँ इस तरह से। अब चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं, तो ये 23 आ रहा है, परफेक्टली सेम है। जितना आपको बॉटम चाहिए उतना आपको मिल गया यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे, यहाँ पर हम इतना हमने फोल्ड कर लिया इतने पे ऐसे प्रेस कर लेंगे। और ये हमें यहाँ पर फिनिशिंग मिल गई इतनी, ये वाला भी यहाँ पर टर्निंग को इस तरह से प्रेस कर लेंगे। हम यहाँ पर भी प्रेस करेंगे। मैंने आपको बताया था लाइव सेशन में मेरे पास एक क्वेरी आई थी, उन्होंने बहुत बार कमेंट सेक्शन पे भी पूछा है, तो आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आ गई सीधी, ऐसे ही इस साइड पे भी आपको इसको प्रेस करना है। जो बिना अस्तर वाला है उसको भी सेम ऐसे ही करते हैं, प्रेसिंग करने का तो मेथड सेम ही होता है। अब इस साइड से अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा एक्स्ट्रा है तो उसको थोड़ा सीधा कर लो, कटिंग कर लो, नहीं तो ऐसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे करेंगे। यहां पर भी इसको अंदर की तरफ ऐसे टर्न करेंगे। यहाँ पे देखो ये अस्तर वाला भी साथ साथ टर्न हो रहा है। और इसके नीचे तो बॉर्डर बना हुआ है, मुझे यहाँ पे बॉटम टर्निंग नहीं करनी, लेकिन अगर आपको करनी है तो उसके लिए मैं सिखा रही हूँ कि कैसे करनी है। ये हमारा हो चुका है, बॉटम टर्निंग भी करनी है तो यहाँ पे साइड्स टर्न कर लिए हैं। पर से नाप लो के कितना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ तक चाहिए तो यहाँ तक चाहिए, इधर से यहाँ तक चाहिए, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया ऐसे, और इसके ऊपर भी हमने प्रेस कर लिया। इस तरह से प्रेस करने के बाद आपको इसको एक बार और फोल्ड करना है अंदर की तरफ और उसके ऊपर भी आप प्रेस कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कपड़ा जलने वाला है तो इसके ऊपर एक और हैंकी रख लो या कॉटन का कपड़ा रख लो, फिर प्रेस कर लो, क्योंकि प्रेस करने से ये क्रीज परफेक्ट आ गई। अब ये इधर उधर घूम ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो और ये परफेक्ट ही आएगा। अगर अभी भी आपको डाउट है कि ये सही है या नहीं, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं जा रहा, तो मैं इसको सीधी साइड पर ले आई। अभी मैंने इसके ऊपर तुरपाई नहीं की है, सीधी साइड पर ले आई। अब मैं देखती हूँ तो ये मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, सही लग रहा है, नापने में भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अब हम इसकी तुरपाई कर सकते हैं। पहले मैं एक पैनल की तुरपाई करूंगी और फिर फ्रंट पैनल पे भी सेम ऐसे ही हम करके दिखाएंगे आपको।
ये सुई धागा लेंगे, इसको पीछे नॉट लगा दिए, गांठ लगा दिया मैंने। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी हो सकते हैं हम स्टार्ट, ऐसे यहाँ पे पहले लूप बना के गांठ लगा देंगे और अब इसकी तुरपाई करते रहेंगे। मैं दिखा रही हूँ आपको पास करके, लेकिन आपको अगर तुरपाई करनी है तो इसको ऐसे ही बिछा दो और इसके ऊपर ही ऐसे तुरपाई करोगे तो सही से कर पाओगे। इस तरह से ये नीचे रखा हुआ है तो इधर उधर घूमेगा नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक तुरपाई कर लेंगे। अगर हमें नीचे बॉटम टर्निंग करनी है तो ऐसे बॉटम टर्निंग जो की है, यहाँ से तुरपाई करके इस साइड पे इधर तक चले जाएंगे, फिर यहाँ से वापस आएंगे और यहाँ पे पूरी तुरपाई इस तरीके से हम कर लेंगे और ऐसे ही हम फिर यहाँ साइड की भी तुरपाई कर लेंगे। इस तरीके से तुरपाई की जाती है। अभी मुझे बॉटम पे नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर हमारा ये लगा हुआ है। ऐसे यहाँ तक तुरपाई कर ली है तो यहाँ से जहाँ ओपन होगा वहां पर भी इसको फिनिश कर देंगे, नीचे की साइड पे भी। यहाँ पे अब जहाँ फिनिश करना है ऐसे लूप बनाया, लूप में से इस सुई को निकालेंगे तो यहाँ पर गांठ लग जाएगी। यहाँ से इसकी तुरपाई लास्ट तक कर देंगे, यहाँ तक कर देंगे। अब हमने एक साइड पे तुरपाई कर ली। जब आप एक साइड पे तुरपाई कर लोगे, देखो बिल्कुल फिनिशिंग से आई है, तो हमारे दूसरी साइड पे तुरपाई करना इजी हो जाएगा। तो ये है मेरा फ्रंट पैनल, इसको भी हम ऐसे आराम से रख देंगे और हम इसके हिसाब से ऐसे इसको टर्न करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बैक पैनल कितना है। हमें इतना भी टर्न नहीं करना, इतना भी टर्न नहीं करना, इसके बिल्कुल इक्वल यहाँ से ये वाला पार्ट बैक और फ्रंट बिल्कुल इक्वल टर्न करने हैं और फिर हम प्रेस लेंगे और यहाँ पर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे एक पैनल कोई भी आपका अच्छे से हो जाए टर्न तो दूसरा वाला टर्न करना सबसे आसान बात है। बाद ये जो एक्स्ट्रा क्लोथ आपको लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा है, जितना आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर सकते हैं। सीधा सीधा कट कर दिया। अब इसको एक बार और टर्न करेंगे अंदर की तरफ और फिर प्रेस कर देंगे। हमें इसको नीचे तक टर्न करना है तो यहाँ लास्ट तक हम इसको ऐसे टर्न करके प्रेस कर देंगे। सेम ऐसे ही ये वाली साइड पे आएंगे, इसको रखने के बाद हम इसको टर्न करेंगे। इससे ना ही अस्तर ज्यादा टाइट होगा ना ही लूज होगा, बिल्कुल सही आएगा अस्तर भी। इसको लास्ट तक टर्न कर लेंगे। अब एक बार और टर्न करना है। अब ये जो एक्स्ट्रा लग रहा है इसको हम सीधा कर सकते हैं। लास्ट तक कर लेंगे। अब हम इस पे भी आराम से तुरपाई कर लेंगे जैसे मैंने बैक पैनल पे सिखाया था। इसके बाद मैंने ये गोटा पट्टी लगा दी है और सबसे लास्ट में आपको ये ज़रूर करना है, ये जो यहाँ से ये फट जाता है ऐसे खींच के, इसको पक्का करने के लिए सुई धागा ले लो।
चाहे तो डबल धागा डाल सकते हो या सिंगल धागा डाल सकते हो। डबल डालोगे तो ज़्यादा पक्का रहेगा। इसको ऐसे यहाँ पर 3-4 बार ऐसे फोल्ड करके ऐसे नोट लगा दो, तो इससे ये पक्का रहता है और सूट फटता भी नहीं है जल्दी। अब हमारा सूट पूरा रेडी है और आप देख सकते हैं ये है सूट की पूरी फुल फाइनल इमेज। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप नया इमेजिनेशन.com देखते रहें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।